हे गाइस, आई एम बैक हेयर विद अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा सोनी यूआई का थीम, और इस थीम आप अपनी रियलमी या फिर ओप्पो डिवाइस पर यूज़ कर सकते हो। और वीडियो में मैं फुल डिटेल बताऊंगा कैसे आप इस थीम को परमानेंट टाइम के लिए आपके फ़ोन पर अप्लाई कर सकते हो और कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस थीम को डाउनलोड करने के लिए एक एपीके का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, इस एपीके का। तो आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, आप थोड़ा नीचे आइए। नीचे आने के बाद आपको इस डाउनलोड पेज पर जाना है। देन थोड़ा नीचे इसको डाउन करने पर ही आपको इधर जो कि डाउनलोड लिंक्स प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। तो आप किसी भी एक पर क्लिक करके अपना क्रोम ब्राउजर सिलेक्ट करके डाउनलोड कर लेना। ओके, तो अभी मैं दिखाऊंगा कैसे आप इस थीम को परमानेंट टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके पहले आपको अपना थीम स्टोर का ऐप इन्फो पर जाना है। अगर आपके डिवाइस पर 7.1 थीम स्टोर आपने इंस्टॉल किए है तो आपको इधर एक 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करके अपडेट अनइंस्टॉल कर लेना है। अपडेट अनइंस्टॉल हो जाने के बाद आपको इस थीम स्टोर का डाटा भी क्लियर कर देना है। सो डाटा क्लियर हो जाने के बाद आपको अपना फाइल मैनेजर खोलना है। देन जाना है फोन स्टोरेज पर, उसके बाद इधर से ये कलर वेस फोल्डर डिलीट कर देना है। देन आपको उस थीम का लोकेशन पर जाना है। तो ये है अपना थीम सोनी यूआई, तो उस पर क्लिक कर देना है। देन एलो एलो एक बार बैक बटन प्रेस करना है। देन अगेन उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ट्राई मी पर क्लिक कर देना है। देन इस थीम को अप्लाइंग होने देना है। थीम अप्लाई हो जाने के बाद आपको अपना फाइल मैनेजर दोबारा से खोलना है। एक बार बैक बटन प्रेस, देन अगेन फाइल मैनेजर, फोन स्टोरेज, और फिर से कलर ओएस फोल्डर डिलीट। उसके बाद आपको अपना थीम स्टोर ओपन करना है। एग्री। देन आपको इधर एक सर्च बार मिलेगा, इस सर्च बार पर आपको सर्च करना है एलिमेंट लिखकर। ओके, सो देख सकते हो शायद मैं इधर एलिमेंट लिखकर सर्च किया हूँ, तो आपको ऐसा एलिमेंट लिखकर सर्च करना है। और मैं जैसे ही सर्च किया, देख सकते हो एकदम फर्स्ट पर ही हमारा जो एलिमेंट थीम वो शो हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने एलिमेंट लिखकर सर्च किया और एकदम फर्स्ट पर ही आपको ये थीम नहीं भी देखने को मिल सकता है। तो सर्च करने के बाद अगर एकदम फर्स्ट पर ही शो नहीं हुआ तो आपको इस थीम सेक्शन पर आके थोड़ा नीचे जाकर ढूंढने लाना है, ठीक है। तो मिलने के बाद आपको इस थीम पर क्लिक कर देना है। देन डाउनलोड पर फ्री, और इस थीम को फुल्ली तरीके से डाउनलोड होने देना है। और देख सकते हो हमारा थीम जो कि फुल्ली डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद आपको इस होम बटन पर क्लिक करना है और रिसेंट से सारे ऐप क्लियर कर देना है। देन आपका थीम जो कि परमानेंट अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। तो मैं इसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ। मैं थीम स्टोर पर लॉन्ग प्रेस करके माई थीम्स पर जाता हूँ, तो इधर देख सकते हो हमारा एलिमेंट थीम अप्लाई दिखा रहा है, लेकिन हमने तो ये कस्टम थीम अप्लाई किए थे, मतलब कभी भी ट्रेल नहीं आने वाला है। सो और एक चीज़ गाइस, इस थीम का जो ये नोटिफिकेशन पैनल है वो एक्चुअली मटेरियल कलर का है, ठीक है। आप लोग डार्क मत समझना, क्योंकि कुछ लोगों को डार्क थीम पसंद नहीं है। पर्सनली मुझे भी डार्क थीम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। ये बेसिकली सोनी यूआई का जैसे करने के लिए मैं ये जो है मटेरियल कलर इधर ऐड किया हूँ, ठीक है। सो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं हम बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।